के प्रधानमंत्री जी ने बड़ा स्पष्ट किया हुआ है, कुछ दिनों की दिक्कत है और देश ने बड़ा सहयोग भी उनके साथ में किया है, लोग लाइन में लगे हैं लेकिन शिकायत नहीं कर रहे हैं। जिसको परेशानी है जरूर, कुछ लोगों को निश्चित रूप से, किसी के पास में राशन के पैसे नहीं हैं, दवाई के पैसे नहीं हैं, लोगों को परेशानी भी है। उस परेशानी को तो सब लोग सोचते हैं कि हाँ परेशानी नहीं होनी चाहिए, उस परेशानी को दूर करने के प्रयास भी चल रहे हैं। मेरे ख्याल में 2-4 दिन में सब समस्या का समाधान हो जाएगा। और लोकसभा की बात रही, विपक्ष का तो अपना काम हमेशा रहा है पब्लिक के मुद्दों को उठाने का, वो उठाएंगे, हम जवाब देंगे उसका। नहीं, पार्लियामेंट ने पिछली बार भी पूरा अपना एजेंडा सरकारी पूरा किया था, हमारा कोई एजेंडा नहीं बचा था। इस बार भी जो हमारे मद हैं, कुछ संशोधन हैं कानूनों में, कुछ नए बिल पेश होने हैं, उसके पेश भी होंगे, उनमें विचार भी होगा और आगे कार्रवाई भी होगी। विपक्ष का काम है, विपक्ष का काम है पब्लिक के मुद्दों को हाईलाइट करने का, वो करेंगे। किसान की परेशानी किसी और मुद्दे को लेकर हो सकती है, इस नोटबंदी के मुद्दे को लेकर तो परेशानी है, क्यों? किसान को क्रेडिट मिलता है, अगर किसान को बीज की ज़रूरत है तो ब्लॉक से उसको बीज बिना पैसे दिए मिलता है, और जब फसल आती है पैसा पेमेंट होता है उसका। फर्टिलाइज़र है वो भी उसको सोसाइटी से मिलता है, सोसाइटी के मेंबर हैं हर किसान, वहाँ भी कोई नकद पैसा नहीं देना पड़ता, वहाँ भी क्रेडिट पर मिलता है। किसानों की समस्या को वो लोग उठा रहे हैं जो किसान है नहीं, किसानों की समस्या को वो लोग उठा रहे हैं जिन्हें किसानों की समस्या की जानकारी है नहीं, इसलिए किसान को तो कोई दिक्कत है नहीं। हम भी किसान हैं, किसानों में रहते हैं, कोई परेशानी किसान को है नहीं।